हेलो, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो जैसा कि आई थिंक हर कोई ऑलरेडी बात कर रहा है, स्त्री टू जो है एकदम बिल्कुल जबरदस्त धमाका है, बहुत ही इंटरटेनिंग पिक्चर है। आई थिंक ये कमाल की बात ये होती है कि आपको अगर किसी फिल्म के लिए आपको इतना एक्साइटमेंट हो, आप सुबह उठते हो तो आपको लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग द फिल्म। फिल्म के स्टार्ट होने से पहले आपको एक एक्साइटमेंट है, आप ब्लैक कॉफी ले रहे हो तो आपको लिटरली यू आर एक्साइटेड टू जस्ट बी इन योर सीट। काफ़ी पब्लिक थी यहाँ पर सरी बीसी में। आज थर्सडे है, वीकडे है, देर वॉज क्वाइट अ बिट ऑफ क्राउड एंड पॉपकॉर्न्स के मंचिंग की मुझे कॉन्स्टेंटली मुझे आवाज़ आ रही थी एंड द एक्साइटमेंट वॉज पैल्पेबल। फिल्म स्टार्ट होती है, फिल्म थ्रू आउट जो है आई थिंक बहुत ही इंटरटेनिंग है, बहुत ही मज़ेदार है। नीरेन भट्ट, ही इज़ द स्टोरी स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग राइटर, हैट्स ऑफ टू हिम। आई थिंक बहुत ही कमाल के डायलॉग्स लिखे हैं। अमर कौशिक का डायरेक्शन आई थिंक बहुत बहुत मुबारकबाद उनको, बिकॉज उनको शायद मेरे ख्याल से खुद भी अंदाज़ा नहीं है कि दैट वॉज एक्जैक्टली ही इज़ क्रिएटेड। श्रद्धा कपूर, एवरी टाइम श्रद्धा कपूर इज़ देयर ऑन स्क्रीन, आई थिंक शी इज़ मैग्नेटिक। चाहे वो उनकी स्क्रीन प्रेजेंस हो, चाहे वो उनकी डांसिंग हो, चाहे वो उनकी अदायगी हो, हर जगह पर श्रद्धा हैज़ शोन ब्राइटली। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इट्स हर स्टार पावर इन मोर वेज इन वन, दैट इज लिटरली ड्राइविंग दिस फिल्म। ओवरऑल परफॉर्मेंसेज बहुत अच्छे हैं एंड फिल्म एज अ होल आई थिंक इज अ हीरो एंड हीरोइन इन इटसेल्फ। राजकुमार राव इज वंडरफुल एज एक्सपेक्टेड। अभिषेक बैनर्जी इज सेंसेशनल। अभिषेक बैनर्जी इज सो फनी के आप उनको देखेंगे एवरी टाइम, ही इज एब्सोल्युटली हिलेरियस। पंकज त्रिपाठी साहब आई थिंक इज वंडरफुल एज एक्सपेक्टेड। अपार शक्ति खुराना इज वेरी गुड। अगर हम तमन्ना की बात करें, जिस गाने में जब वो आती हैं आज की रात, आई थिंक वो मोमेंट है एंड शी इज शाइनिंग एज वेल। कैमियोज बाय अक्षय कुमार, वरुण धवन, रियली गुड कैमियोज एज वेल, स्पेशली अक्षय कुमार। आई ऑलवेज बीन सेइंग दैट अक्षय कुमार यू जस्ट नीड दैट मोमेंट, दैट फिल्म, दैट कैरेक्टर एंड ही विल शाइन। ही इज आउटस्टैंडिंग एवरी मोमेंट दैट अक्षय कुमार इज देयर। छोटा सा कैमियो है, ही इज फैंटास्टिक। म्यूजिक बहुत अच्छी है। आज की रात की बात करें, अगर हम बात करेंगे खेत की बात करें, जो लास्ट सॉन्ग आता है, जिस तरीके से म्यूजिक गाने बड़े गाने हैं, अच्छे गाने हैं। VFX इज गुड। जो एक सेंटिमेंट मेरा कल्की में हुआ था कि कल्की में जिस तरीके से VFX के साथ में इमोशन को और एक मोमेंट को और एक आइडिया को ब्लेंड करने की कोशिश की गई है, दैट वाज सेंसेशनल। मुझे बहुत हद तक वो सिमिलर चीज़ यहाँ पर लगी स्त्री के अंदर। इट्स अ हॉरर कॉमेडी तफरी की पिक्चर है, बट यहाँ पर मैसेजिंग भी है, सटल मैसेजिंग है। सटल मैसेजिंग इज ऑलवेज गुड। प्रीची किसी को भी पसंद नहीं आता है। ये एक बहुत हद तक मेल ईगो को भी आई थिंक टार्निश करने की पिक्चर है, पेट्रियार्की के खिलाफ भी एक तरीके से पिक्चर है। इट्स ऑल्सो द मेल सब्जुगेशन इन मोर वेज, उसके बारे में भी एक पिक्चर है, लेकिन सटल तरीके से, सिम्बॉलिक तरीके से, एंड आई थिंक दैट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। कैमरा वर्क बहुत अच्छा है। ऑल इन ऑल आई थिंक जिस तरीके से ये फिल्म इन्होंने बनाई है अमर कौशिक ने, आई थिंक रियली रियली वंडरफुल आई थिंक एक्सपीरियंस। मुझे बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ, जैसे कि मैं कॉन्स्टेंटली कह रहा हूँ कि दैट 40 करोड़ के ऊपर पिक्चर खुलेगी, 45 करोड़ अपरेंटली फर्स्ट डे नेट है, 8 करोड़ का करीबन पेड रिव्यूज है, 53 करोड़, दिस इज सेंसेशनल। ये फिल्म वीकेंड तक कहाँ पर जाएगी, आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली अनइमेजिनेबल। ये एक बहुत 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 बड़ी खबर है, ना सिर्फ बॉलीवुड के लिए बट आई थिंक द इंटायर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, बिकॉज ये फिल्म आई थिंक अक्रॉस द बोर्ड देखे जाने वाली है, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में हो। एंड आई हैड अ ग्रेट टाइम। स्त्री टू इज अ मस्ट वॉच एक्सपीरियंस। We'll be right back.